हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड बनकर तैयार है और अभी फिलहाल इसके उद्घाटन का इंतजार है। बस स्टैंड के शुभारंभ होने के तुरंत बाद पुराना बस स्टैंड शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे शहरवासियों को जाम में मुक्ति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद बस स्टैंड शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर तैयार हो चुका है। बस स्टैंड के तैयार होने से पहले ही बस स्टैंड के आसपास की प्रॉपर्टी में काफी उछाल देखा गया है। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद का ये बस स्टैंड 4 मंजिला होगा। हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि इसमें से 2 मंजिलें हरियाणा रोडवेज के अधिकारी प्रयोग करेंगे और बाकी तीसरी और चौथी मंजिल को किराए के रूप में दिया जाएगा, जिसमें बैंक या फिर सरकारी दफ्तर हो सकते हैं, जैसे कि डाकघर या फिर कुछ और ऑफिस भी हो सकते हैं सरकारी, या फिर कुछ दुकानें भी हो सकती हैं जिन्हें किराए पर दिया जा सकता है। अभी फिलहाल लगभग कमरे बनकर तैयार हो चुके हैं और जल्द ही बस स्टैंड का शुभारंभ किया जाएगा। नए बस स्टैंड का बनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो पुराना बस स्टैंड वो अब लगभग छोटा पड़ने लगा था और शहर में जाम लगने के कारण बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाना ही सही था। और मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि हरियाणा में जितने भी बस स्टैंड है सभी को बाईपास के ऊपर ले आना चाहिए। हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद का ये बस स्टैंड हिसार सिरसा बाईपास से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल बसें शहर के अंदर से ही होकर जाएंगी। ये राहत देने वाला कदम है हरियाणा रोडवेज की तरफ से। बाकी अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2 लिफ्टें लगाई जाएंगी और जल्द ही जैसे ही बस स्टैंड का शुभारम्भ होगा बस स्टैंड को जल्द ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि ये बस स्टैंड बिजलीगढ़ के पास में है, पावर ग्रिड सब स्टेशन के पास है फतेहाबाद में। इसके साथ ही पीने के पानी का और सीवर का कनेक्शन भी जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। अभी फिलहाल बस स्टैंड का शुभारंभ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके आसपास की जमीन आसमानी अंतरिक्ष छूने लगी है। मतलब बहुत ज़्यादा उछाल देखा गया है ज़मीन के मामले में। शहर के किसी नेता ने बस स्टैंड के सामने जो ज़मीन है उसके लिए किसी प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्टैक्ट किया था और 30 करोड़ की कीमत लगाई थी, लेकिन जिसकी वो ज़मीन है उसने उसे देने से मना कर दिया। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि 30 करोड़ की कीमत से ऊपर ही जो नया बस स्टैंड है वो शहर से बहुत दूर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आने वाले 3-4 सालों में वहाँ पर विकास होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग आराम आराम से शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब एक बात तो आप सभी को पता है कि जहाँ पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन होगा वहाँ पे लोग जाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पुराने इतिहास में हम कह सकते हैं कि जैसे लोग नदी के किनारे जाते थे। 30 करोड़ में तो किसान मान भी नहीं रहा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ज़मीन में बहुत उछाल देखा गया। वो ज़मीन का रेट लगभग 30 करोड़ से पार पहुंच चुका है और अभी शायद और बढ़ने वाला है। नए बस स्टैंड से लेकर पुराने बस स्टैंड तक सिटी बस सर्विस भी शुरू की जा सकती है। अभी फ़िलहाल उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है आपको बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।